मिस्ट्री मॉन्स्टर्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े पक्षी के बारे में। हमारी इस दुनिया में कई अनोखे जीव रहते हैं जिन्हें विज्ञान भी अब तक ठीक से जान नहीं पाया, और ऐसे ही कुछ रहस्यमय जीवों के बारे में हम जानेंगे मिस्ट्री मॉन्स्टर्स में। थंडरबर्ड, इसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। अमेरिका के मूल निवासी इस बड़े से पक्षी का जिक्र सदियों से करते आ रहे हैं। उनके मुताबिक इस बड़े से पक्षी के पंख फड़फड़ाने से आसमान में बिजलियां कड़क उठती हैं। अमेरिका के मूल निवासी इस पक्षी को एक पवित्र जीव मानते हैं जो उनकी रक्षा करता है, पर यह प्राचीन पक्षी आज भी लोगों को दिखाई देता है, और जिन लोगों ने इसे देखा है उनके मुताबिक ये पक्षी आकार में किसी छोटे विमान जितना बड़ा हो सकता है, और इसका शरीर गहरे काले रंग के पंखों से ढका होता है, और अपने तेज धार पंजों की मदद से ये किसी छोटे इंसानी बच्चे को आसानी से उठा सकता है। और ऐसे ही एक मामले में 1997 में 10 साल का मार्लिन नाम का एक लड़का जो अपने घर के पास खेल रहा था, उस पर एक बड़े से पक्षी ने हमला कर दिया। फिर लगभग 30 किलो से भी ज्यादा वजनी इस लड़के को उठाकर वो पक्षी हवा में उड़ने लगा। बुरी तरह से डरा हुआ मार्लिन मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। मार्लिन की मदद मांगती हुई आवाज उसकी माँ ने सुन ली और फौरन ही मार्लिन को बचाने के लिए दौड़ी चली आई। उसने उस बड़े से पक्षी की ओर कई पत्थर उछाले। उसकी ये तरकीब काम कर गई। उस पक्षी ने मार्लिन को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। मार्लिन और उसकी माँ के मुताबिक उस पक्षी के पंखों का विस्तार 20 फीट से भी ज्यादा था। और एक कहानी के मुताबिक साल 1738 में खजाने की खोज में आए स्पेनिश लोगों के एक समूह पर अमेरिका के मूल निवासियों ने हमला कर दिया था। गवाहों के मुताबिक ये आदिवासी एक बड़ी सी गुफा के अंदर रहते थे, जिसके प्रवेश द्वार पर एक बड़े से थंडरबर्ड के शव को लटकाया गया था। फिर साल 1980 में खजाने की खोज में आए एक दूसरे आदमी ने इस गुफा को ढूंढ निकाला, और उसे इस गुफा के अंदर से 18 इंच लंबा एक पक्षी का पंख मिला, जिसकी जांच फिर कई विशेषज्ञों ने की, पर वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। ये पंख किस पक्षी का है ये कोई बता नहीं पा रहा था। साल दर साल थंडरबर्ड लोगों को दिखाई देता है। कई विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि शायद ये कोई पक्षियों की अज्ञात प्रजाति है जिसकी खोज अब तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, क्या थंडरबर्ड सच में मौजूद है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट या वोट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।